जनपद अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तारीख को लेकर अनिश्चितता बना रहा है, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि शासन जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे और उसे समय पर संपन्न कराए। इसके तहत ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जहां हम पहले कहते हैं कि छात्रों का अधिकार, जिसमें हम सबसे पहली चीज मानते हैं लोकतंत्र, जिसमें हमें अधिकार दिया चुनाव लड़ना, लेकिन उत्तराखंड सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मिलकर इस छात्र संघ चुनाव को लगातार डाला जा रहा है और हमें बिल्कुल भी इस पर कोई वो सुध नहीं ली जा रही है कि हमारे छात्र संघ चुनाव को आयोजित कराया जाए। प्रवेश के एक महीने बाद छात्र संघ चुनाव जहां आयोजित हो जाने चाहिए थे, आज नवंबर का महीना लगने को तैयार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय शिक्षा मंत्री हमारी कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है। लगभग हम कल सुबह से हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर प्रशासन का आदमी हमसे बात करने नहीं आया। और वहीं जहाँ कुलपति महोदय को हमारे द्वारा फोन किया जाता है, उनके द्वारा हमें फोन नहीं उठाया जाता, लेकिन कोई भी एक स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि कब घोषित होगी, आखिर हम कब तक इस परिसर के अंदर मेहनत करते रहे और छात्रों के लिए काम करते रहे। आज एक लोकतंत्र हमारे अधिकारों का दमन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हमारी पूरी छात्र शक्ति, समस्त छात्र समुदाय आज साथ में बैठे रहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी यह छात्र शक्ति जल्द से जल्द तिथि को घोषित कराने के लिए उन्हें मजबूर करेगी और उन्हें हमारे सामने घुटना टेकना पड़ेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, राष्ट्र जिंदाबाद, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, जय हिंद।